मथुरा के किसान भवन में आयोजित हुई सिंचाई बंधु की बैठक हंगामेदार रही। भ्रष्टाचार का मुद्दा, अधिकारियों की लापरवाही एवं जिम्मेदारी से बचते बचाते बैठक संपन्न हुई। जब बैठक संपन्न हुई तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने जमकर किसानों को और अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह किया। लेकिन किसानों और सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष ने उनकी पोल लगातार खोलना जारी रखा। बैठक में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने बार बार मुद्दा उठाया कि फोर्डर क्षेत्र की माठ, छाता क्षेत्र की राधा कुंड इत्यादि क्षेत्रों में नहर कई वर्षों से साफ नहीं हुई है। इसके साथ ही जब मुख्य अभियंता बच्चन सिंह से जिलाधिकारी द्वारा पूछा गया कि जनपद में कितनी नहरों की सफाई का कार्य किया जा रहा है, तो ना बच्चन सिंह जवाब दे पाए ना उनके अधीनस्थ। लेकिन जब जिलाधिकारी ने आंखें तरेरी तो हड़बड़ाहट में उच्च अधिकारी बोले, सर 2 दिन में हो जाएगा और 2 दिन में सफाई भी हो जाएगी। उसके फोटोग्राफ बाकायदा जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये हम अपने अपने मुख्यालय में भेजते हैं। उपाध्यक्ष जी जो भी कह रहे हैं, कोई महीने को कोई 5 महीने को कोई बता दें, कोई फिर उनका खुद फोटो लेकर खींच लेंगे। झूठ का पुलिंदा आप कह रहे हैं, डिसिप्लिन बना के रखे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ताकि जो समस्याएं हमारे सामने आए उनका निदान भी हम जवाबदेही अधिकारियों की, तो वो जवाब भी दे सके। यदि हम अनुशासन नहीं बना के रखेंगे, छह की सूची थी ना, बाकी तो किसके क्षेत्र के हैं, नहीं यहाँ पर ही नोट कराना है ना, सभी हमारे किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा वाला जो है रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, गुर्दे एवं पित्त की थैली की सभी पथरियों का दूरबीन एवं लेजर द्वारा ऑपरेशन, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन विधि से ऑपरेशन, दूरबीन एवं सामान्य विधि से बिना चीरे के प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, गुर्दे मूत्राशय प्रोस्टेट या लिंग की कैंसर का ऑपरेशन एवं संपूर्ण निदान, गुर्दे व लिंग की बंद नली का प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन, मथुरा शहर में पहली बार होल्मियम लेजर द्वारा पथरी का उपचार, सेक्स व अन्य गुप्त रोग समस्याओं का उपचार, एक्सरे व डिलक्स, सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स कॉटेज की सुविधाएं, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन के बाद सर्जिकल आईसीयू की सुविधा व 24 घंटे मेडिकल स्टोर व अन्य सुविधा उपलब्ध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रोहित सिंगल द्वारा अब तक की सबसे बड़ी पेशाब की थैली की पथरी निकालने का श्रेय वरिष्ठ यूरो सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंगल। संपर्क करें नियर गोवर्धन चौराहा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे मथुरा। बैठक में मौजूद किसान जब भी किसी समस्या को उठाते या नहर की सफाई की बात करते तो उच्च अधिकारी बस यही कहते, सर 2 दिन में हो जाएगा। इस पर जिला अधिकारी ने कहा कि इतने सालों में नहीं हुआ तो 2 दिन में कैसे हो जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष और सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने भी हैरत में कि जब इतने सालों में कोई कार्य नहीं हुआ तो हर काम अब 2 दिन में कैसे हो जाएगा। बैठक में हर बार सिर्फ एक ही रटा रटाया डायलॉग बोला जा रहा था कि 2 दिन में हो जाएगा और बजट की दिक्कत है। वही इस बैठक में लायबिलिटीज एवं गणेशा नहर के किनारे सैपिन पर अवैध रूप से निर्माण का भी मुद्दा उठाया गया। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि सिंचाई बंधु की बैठक काफी हंगामेदार रही और भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुलती रहीं। सरकारी अधिकारियों का एक जवाब बहुत अच्छा आपने सुना होगा और लिखित में कई बार देखा होगा कि जांच कर आख्या प्रस्तुत करें। इसका अर्थ सीधा सीधा मान लीजिए कि आपका काम जांच में अटक गया और कब होगा ये आपको खुद नहीं पता। इसी के साथ साथ सिंचाई बंधु की बैठक में एक डायलॉग खूब चला। यहाँ के अधिकारी अपने खुद के बड़े अधिकारियों से जवाब देते हुए आए कि सर 2 दिन में हो जाएगा। चाहे नहर की समस्या हो, टेल की पानी की समस्या हो या फिर स्पाइन के साफ सफाई की समस्या हो, सभी के बारे में कहा जा रहा था कि सब 2 दिन में हो जाएगा। आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी और सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सुधीर रावत ये बोले कि जब इतने सालों से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार 2 दिन में कैसे हो जाएगा। सवाल इसी बात का उठता है कि 2 दिन में शायद बैठक को लोग भूल जाएंगे और उसके बाद सिंचाई विभाग वही ढर्रा अपनाएगा जो बरसों से अपनाता हुआ आया है। अपने साथी पी के दुबे के साथ रवि यादव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।